जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फेडरल बोर्ड। और आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की इस वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन आ रहा है ये डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना बिटवीन शेल एंड सब शेल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम शेल और सब शेल में डिफरेंस करें तो इस तरह करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट, जिसे एनर्जी लेवल भी KLMN कहेंगे इसको, आर शेल्स और ऑर्बिट्स भी कहेंगे। सो शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल इनको हम कहेंगे। तो फर्स्ट शेल जो है उसको K कहेंगे, उसमें एक ही सब शेल होगा विच इज़ समथिंग लाइक 1s, और जो सेकंड शेल है उसके अंदर डेफिनेटली उसको L कहेंगे, और उसके अंदर दो सब शेल होंगे। सेकंड शेल में दो सब शेल, थर्ड शेल में तीन सब शेल, और फोर्थ शेल में जो है वो चार सब शेल होंगे। सो फर्स्ट में एक ही सब शेल है 1s, सेकंड शेल में जो है वो दो सब शेल हैं 2s एंड 2p, और 2 इसीलिए क्योंकि दूसरा शेल है, और थर्ड सब शेल जो कि m है उसमें तीन सब शेल्स हैं 3s, 3p एंड 3d, और 3 इसलिए क्योंकि ये थर्ड के मेंबर हैं, और फोर्थ p 4s, 4p, 4d, 4f जो है ये फोर्थ के मेंबर हैं। सो इतना आपने ही लिखना है, राइट? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? स्टूडेंट्स, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन इट। उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। इसके जितने ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उतने ही न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो है वो कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखें तो हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल, कितने सब शेल होंगे एन शेल में, कितने सब शेल होंगे? तो स्टूडेंट्स, जो देर आर फोर सब शेल्स इन एन, क्योंकि एन जो है वो चौथा शेल है, तो 4s, 4p, 4d, 4f अभी मैंने आपको बताया था। सो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ एम शेल। एम शेल की नोटेशन लिखनी, यानी लिखने हैं कौन कौन से एम शेल में सब शेल्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो एम है वो थर्ड शेल है, इसलिए 3s, 3p, 3d लिखेंगे, लेकिन साथ के इलेक्ट्रॉन्स भी लिखेंगे 3s2, 3p6, 3d10, तो लिहाजा ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सब शेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी एम शेल के जो है हमने सब शेल्स लिखने हैं, लेकिन इंक्रीजिंग एनर्जी के अंदर लिखने। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव एम शेल हैज थ्री सब शेल्स। आपको पता ही है, जैसे उसको हम इंक्रीजिंग एनर्जी से देखेंगे तो 3s सबसे पहले आएगा, 3p और 3d, यानी सबसे एनर्जी को इंक्रीज के हिसाब से सबसे ज़्यादा एनर्जी 3d की होगी, फिर 3p की होगी, और सबसे कम एनर्जी 3s की होगी। सो 3s सबसे पहले, 3p और 3d, यही इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा एनर्जी का, ठीक है? सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, के पास क्वेश्चन है जी, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। किसी भी एटम को आप क्या जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अगर आपको उसके न्यूट्रॉन्स का पता ही ना हो? स्टूडेंट्स, द आंसर इज येस, एन एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, और कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स, बट दे ऑल आर कार्बन एटम्स। तो आप ये देख सकते हो कि वी जस्ट कैन आइडेंटिफाई एटम्स लाइक कार्बन 12, 13, 14 में न्यूट्रॉन्स की मिकदार भी डिफरेंट है, लेकिन सब ही कार्बन है, राइट? तो न्यूट्रॉन्स की मिकदार के अलावा आप अगर प्रोटॉन नंबर आपको पता लग जाता है तो आप एलिमेंट को पहचान सकते हो। जैसे इफ़ यू से कि सर बताएं थर्ड एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, तो मैं लिथियम कहूँगा आपको। आप जल्दी से कहें सर 13, फिर बताएं 13 कौन सा होगा, तो 13th एलिमेंट जो है दैट इज़ एलुमिनियम। तो अब मुझे कैसे ये बात पता है, क्योंकि इनके जो प्रोटॉन हैं, इनके जो क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस, वही इनकी आइडेंटिफिकेशन है। तो लिहाजा एटॉमिक नंबर पहचान होता है, न्यूट्रॉन कभी भी पहचान किसी एटम की नहीं होता। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है जो कि इनकरेक्ट है। एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक हैज़ बीन मेड इन ईच, हर किसी में क्या मिस्टेक है, एंड राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो ये आपके पास एक्स, वाई, जी तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं। सो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, तो वी नो दैट पी सब शेल कैन एक्युमुलेट 6 इलेक्ट्रॉन्स,
in it. So there is no need of showing electrons in 3p orbital. The correct configuration is 1s2, 2s2, 2p6. तो यहाँ पे ये देखें, आपने p4 भी शो कर दिया है, p2 भी शो कर दिया, ये इनकरेक्ट है. इसको करेक्टली इसलिए कर सकते हैं कि ये आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स में आ सकते हैं, इसलिए आप 2 को इसी में लिखें और 2p6 लिखें, बजाय कि आप 2p4 लिख के 3p2 लिख दें. सो दैट इज़ इनकरेक्ट. फिर हमारे पास है 1s2, 2s1, 2p1. एज अ सबशेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इलेक्ट्रॉन इन 2p इज ऑर्बिटल इनकरेक्ट. अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो p में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं लेके जाना चाहिए था. लिहाजा 1s2, 2s2. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ये वाली की है दैट इज ऑफ नियॉन, और ये वाली जो है चौथे एलिमेंट की है दैट इज बेरिलियम. उसके बाद है जी 1s2, 2s2, 2p5 और 3s1. अब देखें, इसमें अभी इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए थे, तो आपने s में इलेक्ट्रॉन ले गए हो, तो दैट इज इनकरेक्ट. इसमें इलेक्ट्रॉन पहले p में पूरे करने हैं 6. सो ये भी दोबारा नियॉन की ही कॉन्फ़िगरेशन होगी. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस, और इसको आपने फॉलो करना है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इन लोअर इन एनर्जी. इनमें से अब आपने पेयर में देखा लोअर एनर्जी वाला कौन सा है. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है. तो स्टूडेंट्स, पहले में जो है वो 2s जो है वो लोअर एनर्जी रखेगा 2p की बजाय, और दूसरे में 3p और 2p हैं, तो डेफिनेटली 2p जो है वो न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा, तो लिहाजा 2p जो है वो लोअर एनर्जी रखेगा. और तीसरे में आपको पता है 3s और 4s लिखा हुआ है, तो 4s जो है वो हायर एनर्जी होगा, क्योंकि 4 डेफिनेटली अवे होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो 3s जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा. याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स या जो सबशेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है. स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन है, ड्रॉ बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. लिहाजा हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स को लोकेट करते हुए जो है वो डायग्राम बनानी है, मॉडल बनाना है. पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, मैस नंबर 39 है, इसका बनाएंगे, फिर सिलिकॉन का बनाएंगे, और फिर आर्गन का बनाएंगे. सो लेट्स चेक इट आउट. सो स्टूडेंट्स, ये हैं उनके स्ट्रक्चर, पोटाशियम, सिलिकॉन, आर्गन. इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी कॉपी कर लें. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, सॉरी विच नहीं, राइट राइट, हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ. स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे पास सिलिकॉन है, ये है हमारे पास सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके अलावा हमने मैग्नीशियम की देखनी है, लिहाजा ये मैग्नीशियम है, ये हमारे पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसके अलावा हमने एल्युमिनियम की देखनी है, ये हमारे पास एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. उसके बाद हमने आर्गन की देखनी है, आर्गन, यू नो, इट्स द लास्ट 20th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये हमारे पास जो है, सॉरी 18th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 20th पे कैल्शियम है, तो ये हमारे पास आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सो ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड मेड टू डिवेलप द एटॉमिक थ्योरी. रदरफोर्ड की कॉन्ट्रीब्यूशन बतानी है, ताकि उसने एटॉमिक थ्योरी जो हमें बताई है. सो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें. उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम द रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, कैसे फ़र्क करती है, तो इसके ऊपर बात करते हैं. स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है, ये सब रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स हैं, ये बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स हैं, इनको आप फॉलो कर लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें. सो लेट्स टॉक अबाउट द 9th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन अ शेल. स्टूडेंट्स, ये है इसका आंसर, सब शेल और किस शेल में जो है वो सब शेल कैसे आ सकते हैं, ये मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है, तो दिस इज द पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और इसके अलावा आप स्टूडेंट्स इस आंसर से भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ. स्टूडेंट्स के जवाब के लिए आप इन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं. ट्रेस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेडिसिन है जी, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल है, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल है, और ये तीन मेजर जो हैं इस्तेमालात आप याद कर सकते हैं. सो क्वेश्चन था कि आपने इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ वेरियस आइसोटॉप्स बतानी है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं आइसोटॉप्स,
इनको हम रेडियो आइसोटॉप्स भी कहेंगे, राइट? वी कैन कॉल देम एज रेडियो आइसोटॉप्स. रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जो ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं, एलिमेंट्स के वो आइसोटॉप्स होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा. तो हर आइसोटॉप जो है वो डिफरेंट रेडिएशन निकालते हैं. वी हैव डिफरेंट रेडियो आइसोटॉप्स, जिस तरह जो गैमा रेज हैं वो कोबाल्ट 60 निकालते हैं. तो ये इसकी खासियत है, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स का जो है वो उनको किल कर देता है, उनको श्रिंक कर देता है और कैंसर सेल्स की जो है वो डेथ हो जाती है. सो बहरहाल दीज आर द यूजेस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स. उसके अलावा आप ये एप्लीकेशन फॉर पावर जनरेशन के लिए भी इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसमें भी बहुत से रेडियो आइसोटॉप्स के यूज़ है. इसमें स्पेशली जो है वो यूरेनियम 235 का यूज़ लिखा हुआ है. तो ये भी आप लिख सकते हो, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स या आइसोटॉप्स में. स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56. ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं. हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम हैव. जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए में जो है वो हमारे पास 23 प्रोटॉन्स और 23 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बी में जो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करना होता है, तो उसका आंसर 33 होगा. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें, द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज दिस, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट. अब हमारे पास ये एल्यूमिनियम है और उसका एटॉमिक सिंबल जो है आपके सामने लिखा हुआ है, तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस सिंबल से जो है वो मिल जाएगी. तो स्टूडेंट्स उस सिंबल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो ये है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 27 माइनस 23 14. दूसरे पॉइंट में द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स का पता लग सकता है, के में 2 है, एल में 8 है, एम में 3 है. एल्यूमिनियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एज इट हैज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, सो इट्स इट इज अ मेटल, राइट? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हाउ द प्रीवेलिंग थ्योरीज अबाउट टेस्टिंग ब्रिंग्स चेंजेस इन एटॉमिक थ्योरीज, यानी जो हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रीवियस थ्योरीज हैं, और अबाउट टेस्टिंग ब्रिंग चेंजेस इन एटॉमिक थ्योरीज, कुछ टेस्टिंग के बाद हमने एटॉमिक थ्योरीज में चेंजिंग लाया, उसके बारे में बताना है. इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये जो एक प्रीवियस प्रिवेलिंग थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी को लेकर. Explained the data from many experiments, so it was widely accepted the discovery of subatomic particles and isotopes provide that some of the Dalton's ideas about atoms were not correct. यानी सारी बातें उसकी डॉल्टन की ठीक नहीं थी, लेकिन साइंटिस्ट डिड नॉट डिस्कार्ड हिज थ्योरी. डॉल्टन की थ्योरी को साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्कार्ड भी नहीं करते हैं, वो उसको डेफिनेटली प्रिवेल करते हैं, मानते हैं. And instead they revised the theory, उन्होंने थोड़ा सा modify किया theory को to take into account of new discoveries, क्योंकि बाद में पता लगा कि nucleus भी होता है, electron protons भी होते हैं, लेकिन atomic theory जो थी उसने दी थी Dalton ने, that was promising. So this shows how prevailing theories bring about changes in them. और पता लगा कि पुरानी theories के अंदर जिस तरह Dalton ने theory दी अबाउट एटॉमिक थ्योरी, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए. फिर जोसेफ जॉन थॉमसन ने थ्योरी दी यू नो अबाउट एटम्स, जिसमें उसने प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी, उसमें भी मॉडिफिकेशंस हुए. फिर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें मॉडिफिकेशन बोहर ने किया. फिर बोहर की थ्योरीज आई तो समरफील्ड नामी साइंसदान ने उसमें मॉडिफिकेशंस किए. फिर आगे और भी बहुत साइंसदान आए जिन्होंने वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरीज और बहुत सी थ्योरीज एटम्स के बारे में बताई. तो जो प्रिवेलिंग थ्योरीज थी, यू कैन से के उनके बारे में जो है डेफिनेटली एक एग्जिस्टेंस है उनकी, और उनको जो है वो माना भी जाता है, लेकिन उनमें चेंजिंग्स आए इसमें भी कोई शक नहीं है. सो दिस इज द आंसर, ये आप ब्लॉक लिख सकते हैं आंसर में. सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, अबाउट दिस चैप्टर्स लास्ट क्वेश्चन में भी. हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड न्यू एक्सप्लेनेशंस, यानी जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए कुछ साइंटिस्ट की तरफ से, तो पता लगा जी कि नया फॉर्मुलेशन होगा थ्योरीज का और न्यू एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, इसके ऊपर क्वेश्चन है ये. जी तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इस सवाल का जवाब है, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके आपको जवाब बताता हूँ. तो इसमें यह है कि रदरफोर्ड जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल को, और सजेस्ट किया था कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं
वो ज़्यादातर मास जो कह लें एटम का है वो सेंटर्ड है, यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के नाम जाती है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द एटम इज़ ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी जितना भी वॉल्यूम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो ये नज़रिया था अबाउट दी एटम और रदरफोर्ड का। और ये सजेशन जो है रिमेन अनचेंज रहे, अनचैलेंज रहे, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन इस मॉडल को जो है कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो इसका जो बाद में जो एटम कोलैप्स होता था, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिरते थे और एटम कोलैप्स हो जाता था, तो ये बात एक थोड़ी सी एम्बिगुइट थी। तो फिर क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम सामने आई, और उसके बाद फिर लाइन स्पेक्ट्रम की जो है बातें सामने आई, जबकि जो रदरफोर्ड का मॉडल था या रदरफोर्ड की जो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी उसमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बातें की गई। तो ये दो गलतियां सामने आ गई, यानी स्टेबिलिटी को लेकर एक डिफेक्ट्स निकल आए उसके मॉडल में, और लाइन स्पेक्ट्रम को लेकर डिफेक्ट निकल आया क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आप अभी कमेंट करें ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस बात को समझें। बहरहाल अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं आगे चल रहा हूँ। सो बोहर लीव्ड ओवर डिफिकल्टी बाई यूजिंग क्वांटम थ्योरी, और फिर इस मसले का हल बोहर ने दिया। उसने क्वांटम थ्योरी जो कि मैक्स प्लांक ने दी थी 1900 के अंदर, उसको मतलब क्वांटम थ्योरी को फॉलो किया गया, और ये रेडिएशन की थ्योरी थी। और फिर बोहर ने डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स को अराउंड द न्यूक्लियस जस्टिफाई किया, प्रॉपरली बताया, सर्कुलर पाथ्स को बताया, ऑर्बिट्स को बताया, और फिर ऑर्बिट्स हैज़ अ फिक्स एनर्जी। और ये बात बड़ी एक तयशुदा बात की उसने कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात उसने की अपने यू नो एटॉमिक मॉडल में। सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट डज नॉट एमिट एनर्जी, और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी नहीं निकालता है, और डेफिनेटली जब वो निकालेगा तो वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, अपने हायर शेल में जाएगा, या हायर शेल से लोअर शेल में आएगा, तब वो एनर्जी निकालेगा, घूमते हुए एनर्जी नहीं निकालेगा। ये बात भी बोहर ने की। सो बोहर एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स नाइसली द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो फिर डेफिनेटली जो बोहर की थ्योरी थी उसने एक्सप्लेनेशन दे दी स्टेबिलिटी के बारे में, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्ड वाई एन एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम, और ये भी बताया कि आखिर लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों आता है, यानी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिनाई किया गया और लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन भी किया गया। सो कह लो कि बोहर्स डेवलपमेंट थ्योरी, उसने फिर एक थ्योरी दी विच वॉज नोन एज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और एक्सप्लेन्स द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट अ न्यू एक्सप्लेनेशन एंड न्यू थ्योरीज। और फिर इसकी थ्योरी के अंडर स्टूडेंट्स और बहुत सी थ्योरीज जो हैं वो साइंसदानों ने बनाई। तो एक अच्छी थ्योरी वो होती है जिसकी जिस थ्योरी के अंडर और थ्योरीज जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए आप कह लो कि जो बोहर की थ्योरी थी वो एक कामयाब थ्योरी बनी, क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी के अंडर और थ्योरीज बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन शायद रदरफोर्ड की थ्योरी इतनी स्ट्रांग थी कि शायद उसकी थ्योरी बहुत सी डिफरेंट थ्योरीज को जन्म दे रही थी, बहुत सी डिफरेंट थ्योरीज को जो है वो बनने में हेल्प कर रही थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सारे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। आई होप आपने इस वीडियो को हेल्पफुल समझा होगा। सो अभी डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट चैनल की विजिट कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत से चैप्टर्स पे वीडियोस मिलेंगी। और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। सो दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और लाइक दिस वीडियो एज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके क्लास में पढ़ते हैं आपके साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और थोड़ा सा इजी मेथड है, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसको यूज़ करते हुए आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा।